गाइस यहां पे हो चुका है सीन, तो उस भाई का फोन गिर गया है पता नहीं कहां पे। तो गाइस ये देखो यहां पे भाई एक और ट्रक पलटा हुआ है, तो अपनी गैंग बैठी है गाइस ऊपर। तो गाइस यहां पे गाड़ी की हालत देख रहे हो, स्पार्क गाड़ी भाई खतरनाक। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, और रास्ता देख लो क्या खतरनाक रास्ता है। कर कोई हिला कुसका है ढीला, चल कुछ। तो गाइस यहाँ पे लग चुका है जाम, तो यहाँ से निकाल तो लेंगे हम, लेकिन ऐसे ही क्यों फालतू का रिस्क लेना, अगर यहाँ से गए तो सीधा नीचे नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ से इनको देते हैं निकलने। भाई ये देखो आप, यहाँ साइकिल पे चले हैं बंदे। वुमेन भाई ये देखो यहाँ पे भाई एक और ट्रक पलटा हुआ है, पता नहीं कितने ट्रक मिल गए हमें भाई यहाँ पे गिरे हुए। हाई अल्टीमेटी, एक तो रास्ता छोटा सा है ना, तो यहाँ पे उसके कारण हो जाता है ऐसा सीन। और ऊपर से मेरा वाइजर फिर से खुल चुका है, ये भाई हर कभी खुल जा रहा है, बस थोड़ा सा हाथ लगने की देर है और खुल जा रहा है वाइजर। अब देखते हैं इसका ना कहीं मिलेगी शॉप वगैरह जहाँ पे हेलमेट वगैरह मिलते हो, तो उनके पास एक स्प्रिंग चाहिए हमें और कुछ नहीं, वो टूट गया हमारा स्प्रिंग ना। आराम से आराम से आराम से, थैंक यू। और अपने बाइक का भाई क्रैश भी हो गया है, पर ये है कि ब्रेक नहीं टूटी ना, वो ठीक हो गया, नहीं तो भाई हालत ख़राब हो जानी थी। ऐसे रास्तों पे तो ब्रेक ज़रूरी है। अब देखते हैं इसको, अगर आगे कोई बेल्टिंग वाला मिलेगा ना तो इसकी रॉड ठीक करा लेंगे या फिर नहीं लगवा देंगे, देखते हैं जैसा भी होगा। कहीं शॉप वगैरह मिलेगी ना वहाँ पे देखेंगे, और स्क्रैचेस वगैरह का कोई सीन नहीं है उसका देख लेंगे। वैसे मैंने टेपिंग करानी है तो कोई चक्कर नहीं, जो हो गया वो तो हो गया, आप उसको बदल तो सकते नहीं है, तो जो है जैसा उसी में खुश रहो गाइस। गाइस ये देखो यहाँ पे ईल्स हैं कि कौवे हैं पता नहीं भाई क्या है, लेकिन कितने सारे उठ रहे हैं देखो सामने ना, क्या सही लग रहे हैं देखो, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये भाई। कौवे हैं तो छोटे छोटे, क्या प्यारे लग रहे हैं, वाह। यहाँ पे आ गई है वाटर क्रॉसिंग, वाह मजेदार भाई मजेदार। गाइस यहाँ पे हो चुका है सीन, तो कुछ भाई का फोन गिर गया है पता नहीं कहाँ पे, तो यहाँ पे ढूंढ रहा है बैग वगैरह में तो नहीं मिला अब। सर्कल ताड़ी बना रहा है यार, लड़ियर में से जाई गिरा, अब क्या होगा बोस तेरा, वो इतनी सारी सहेलियां तेरी, बैकअप कैसे मिलेगा हैं। सोचो जाने दी क्या पता सड़क पाई गिरा, क्योंकि चेन तो आई नहीं तेरे लोरा च, क्या पता केड़े खड्डे पर हुई गिरा पटाका, पता होता ताई भी गल क्यों खड्डे च ए, पकड़ी मार लिया ने जा, सच्ची गल ली कुछ तेल भी वेस्ट होएगा टाइम भी, तेल लड़ी गल वारा तेल लड़ी गल नहीं, गल पता क्या है मेन गल है ती जो पता ही नहीं है पाई जा की थी, डाटा लूज के नीचे पड़ा होगा ता तो तू रही है मेरे आंदा ही आ, सब पता ही नहीं है मैं पाई जा की थी यार, पाई ले लेता है यार, एड़ा भी हो बंदे हो, ये आईडिया भी लास्ट टाइम उई गया हूं कुछ। यहाँ पे सीन हो रहा है हमारे साथ, तो पहले बाइक की थी और उसके बाद कुछ भाई का फोन लापता हो चुका है, तो अब जा रहे हैं।
और मैं ही जा रहे हैं। अब देखते हैं अगर मिलेगा तो ठीक है, वैसे इनपुट नहीं मिला तो और क्या कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो चेक किया है ना वो यहाँ से आई थिंक बैटर जरा इनको ठीक कर लेते हैं। और एक तो हेलमेट ने भी पंगा दे रखा है, ना हेलमेट ही चल रहा है ना कुछ नहीं। और देख लो व्यू चेक करो आप, फोन तो मिलने से रहा। कुछ भाई को बोल रहा हूँ मैं अब नया फोन लो, लेकिन इनकी पत्नी है उसने, एक नहीं 100-100 पत्नियां रखी है बंदे ने। कुछ भाई फिर क्या बोलना चाहते हो, अरे कोई इल्ला तेरा यार चमकीला भाई, फेमस कर दो इस डायलॉग को, कर कोई इल्ला तेरा यार चमकीला, फैला दो इसको हर जगह, क्योंकि इस वाले ट्रिप पे यही वाला वो चल रहा है जहाँ देखो बस यही चल रहा है। क्यों भाई कुछ एक और है कुसी, क्यों कुसी, दो दो हमारे वो चल रहे हैं डायलॉग ना, तो फेमस कर दो इनको। तो बंदे यहाँ पे देख लो साइकिल पे चले हैं खतरनाक। हेलो देख दब चल ओए छोटू। तो अपनी गैंग बैठी है गाइस ऊपर। ओ कर कोई हिला तेरे यार चमकीला गाइस यहाँ पे हार्डली हम 5-7 किलोमीटर नीचे आ गए थे देखने के लिए ना मोबाइल को, तो हमें कहीं भी फोन मिला नहीं। और ऊपर से सबसे बेकार सीन है कि यहाँ पे ओ नहीं है, सिग्नल नहीं है आज ना, तो उस चक्कर में ये है कि हमें पता ही नहीं है फोन गिरा कहाँ है, या तो ये पता होता ना गिरा कहाँ है। तो गाटर लूप्स में मतलब कि लास्ट टाइम हमने चेक किया था तब था ऐसा बोल रहा है कुछ, तो गाटर लूप्स को यहाँ से लगेगा भाई 2.5 घंटे जाने के लिए। तो और वो भी पक्का नहीं है कि फोन वहां पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल तो है नहीं, फोन करके हम चेक कर नहीं सकते हैं ना कुछ, और या ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं हम, लेकिन सिग्नल ही नहीं है यहाँ पे, कोई भी सिग्नल नहीं है ना BSNL ना Jio, कोई भी नहीं है। तो पहले थे ऐसा बोल रहे थे कि कल शाम को ही हुआ है कुछ सीन, तो सिग्नल वगैरह नहीं है, तो ऐसा कुछ सीन हो गया हमारे साथ। तो भाई फोन गया हमारे हाथ से, तो उसको बोल दिया हमने अलविदा। तो अब भाई दिल पे पत्थर तो रखना पड़ेगा, क्यों कुछ भाई जो हो रहा है भाई, आज का दिन भी बेकार है, आज तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पहले बाइक गिरी, लेकिन उसका ये बढ़िया हो गया कि ब्रेक नहीं टूटी, ब्रेक टूटती तो तब तो भाई वो बैठा था हमारा ट्रैवल आगे ना, क्योंकि ब्रेक तो जरूरी है ऐसे रास्तों पे। ऊपर से हमारा फोन भी गया, लेकिन चलो अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा गाइस। अब जो हो रहा है वो सही है, जो नहीं हो रहा है वो भी सही है। तो अभी जाते हैं गाइस, हम वो आए टॉप से जहाँ पे गाड़ी चली है ना, तो इससे भी ऊपर थे हम पहुंच गए हुए, मतलब कि वो बिल्कुल एंड में जहाँ ट्रक है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इतना जूम भी नहीं है इसका, वहाँ पे थे बिल्कुल जो टॉप में था इस पहाड़ी का एंड बोर्ड पे थे, वहाँ से आए हम वापिस तो फिर से ऊपर चढ़ रहे हैं। आप देखते हैं आधा 1.5 घंटा तो हमारे यहाँ पे वेस्ट हो गया, तो आज का प्लान वैसे ले का था लेकिन अब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से ले बचा 207 किलोमीटर है, और आज सोच रहे हैं पांच वाली साइड, अब देखते हैं क्या वजह से आपको बताते रहेंगे। तो गाइस फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, तो वो तो मिला नहीं, फोन तो मिला नहीं गाइस, तो बस यहाँ से चल रहे हैं अब आगे। तो अब हम चला रहे हैं बुलेट, होए होए होए, और भाई ठंड बढ़ गई है खतरनाक वाली यहाँ पे, होए ठंड देख केड़ी होगी मुँह थी सुनू ही गिरा प्रोग्राम सारा ही कने से चली पर हा गाटलूप्स आड़े उड़े करूंगा लेंदे मैं आड़े भी सही था बोले वो थोड़ा सा तो है बैठिया फटाफट इस मारने ने तरग क्या
तो गाइस फोन तो मिला नहीं, तो फोन को कर दिया हमने अलविदा। तो अब जिसको मिलेगा भाई वो उसी की किस्मत। बाकी हम निकल गए आगे को, क्योंकि फोन का भाई लास्ट टाइम जो बंदे को पता है ना वो है घाटा लूप्स में, तो वो वहाँ के लिए लगेंगे कोई 2.5 घंटे कम से कम, तो इतने दूर हम जा नहीं सकते। और रास्ता देख लो क्या खतरनाक रास्ता है। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी की हालत देख रहे हो, स्पार्क गाड़ी भाई यहाँ पे कर दिया बंदे ने परमानेंट खड़ी। ना इसके टायर हैं, ना छत है, कुछ भी नहीं बचा इसका भाई। और पता नहीं बेचारे की किसकी होगी, कब की खड़ी हुई, और पता नहीं क्या ही हुआ होगा इस गाड़ी के साथ, वही जाने। और भाई ठंड लगना शुरू हो गई है खतरनाक वाली, तो सुन की जैसी पड़ना ना। एक तो हमारे ग्लव्स जो हैं गर्म नहीं है, तो एक जोड़ी हम आगे जाके खरीद लेंगे। तो उस चक्कर में ना, एक तो फोन के चक्कर में लेट हो गए, नहीं तो इस टाइम हमने पांग है, हाँ पांग वगैरह क्रॉस कर देना था। लेकिन चलो जो है सही है, जो भी है। 21 किलोमीटर है गाइस पांग यहाँ से, अभी भी 1 घंटा कम से कम, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है ना खराब। तो गाइस फिलहाल मैं चला रहा हूँ KTM अपनी धन्नो। तो ऐसी कोई लोकेशन में पहुँच गए हैं, तो पांग हमें बचा है 16 किलोमीटर ओनली। तो आज का स्टे हम सोचे अब पांग में करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सोचा था वैसे ले पहुँच जाए, लेकिन बीच में सीन ही ऐसे हो गए, दो सीन। तो आज का स्टे पांग में ही करते हैं, क्योंकि भाई शाम हो गई है और ऊपर से ठंड बढ़ना भी शुरू हो गई ना, ठंड लग रही है खतरनाक वाली। पांग में देख लेंगे, अगर दुकान वगैरह मिलेगी ना तो काम वगैरह करा लेंगे। एक तो हेलमेट भी कराना है, ठीक वो भी टूट गया है अपना, और ऊपर से बाइक का भी ब्रेक का करना पड़ेगा, लीवर का कुछ, क्योंकि लीवर भी टूट गया है। तो बाकी देखते हैं, जो भी है जैसा भी है आपको पता लगता रहेगा। एक तो 16 किलोमीटर क्या, ये तो कब से भाई कच्चा रास्ता चला है, तो कच्चे रास्ते में हालत हो गया खराब। पहले भाई पक्का था ना, तो वहाँ पे पता नहीं लग रहा था कब जैसे हम इतने किलोमीटर्स पूरे कर रहे थे, लेकिन चलो जो भी है सही है। बाकी भाई यहाँ पे ना ऑक्सीजन लेवल मोटा ही कम है, क्योंकि बात कर रहे हैं ना जैसे, तो उसमें भी सांस फूल जा रहा है। कोई काम कर रहे हैं तब तो भाई हालत ही खराब हो जा रही है। यहाँ पे लग गया तगड़े वाला ही जाम, तो हालत खराब हो गई है। वो मिला ही नहीं, गए भी ढूंढने लेकिन मिला नहीं। है? एक चौकर पे लेके जा रहे कब तक चलते हैं? आगे वाला गया है कि पीछे वाला? पीछे वाला, पीछे वाला? अच्छा तो है खड्डे वगैरह पे आराम से पड़ेगा चलने। हाँ 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 धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो गाइस सामने के पहाड़ देख लो क्या मस्त आ रहे हैं भाई, क्योंकि ऊपर ऊपर ही बची है धूप ना, रास्ते पे तो भाई कोई धूप नहीं है। वो देख लो सामने के पहाड़ियां क्या मस्त आ रही हैं, बाकी तो कहीं भी नहीं बची है धूप। और ये आ गया है पांग, 15,280 फुट की हाइट पे है भाई, खतरनाक। ये है गाइस पांग, पांग या पंग जो भी है, पांग ही है शायद। तो पहले यहाँ रुकने का प्लान था, लेकिन भाई यहाँ पे सिग्नल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हमने पूछा तो उन्होंने बोला 50-60 किलोमीटर आगे है सिग्नल्स। तो अब देखते हैं जो भी प्लान बनेगा। और देख लो ऐसा कुछ है यहाँ से व्यू भाई, पहाड़ियाँ खतरनाक ही। यहाँ तो पूरा रेत ही है, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप देख लो ना पत्थर है ना कुछ नहीं, यहाँ तो सिर्फ रेत ही रेत है। देखो मैंने सब की तरह क्या बुरा है क्या जो है जिंदगी अच्छे। तो हाँ जी गाइस यहाँ जैसे लोकेशन देख ले हो, तो गाइस पांग हमने क्रॉस कर लिया है। तो आगे है टांग लांगला, ऐसा कुछ नाम है कुछ। तो पांग में हमने रुक के मैगी मुगी खाई।